बांग्लादेश की जीत के साथ नेपाल की उम्मीदों को लगे पंख। बांग्लादेश की जीत अब बनेगी नेपाल को सुपर एट में पहुंचाने की वजह। सिर्फ दो मुकाबले जीतकर नेपाल बदल सकता है इतिहास। सैंडी की फिरकी बन सकती है खास। कहते हैं अगर सच्चे दिल से अगर आप कुछ भी कर गुजरने की ठान लो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है। नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नेपाल अभी तक भले ही दो मुकाबलों में कुछ खास ना कर पाया हो, लेकिन अभी भी नेपाल के सुपर एट पे पहुंचने की संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि बांग्लादेश की नीदरलैंड के खिलाफ जीत के बाद अब नेपाल की उम्मीदें कुछ हद तक जीवित जरूर हो गई हैं। यूं तो पॉइंट टेबल पर दक्षिण अफ्रीका 3 में से 3 मैच जीतकर 6 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है। बांग्लादेश 3 में से 2 मैच जीतकर 1 मैच हारकर 4 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। नीदरलैंड भी 3 में से 1 मैच जीतकर 2 मैच हारकर 2 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है और नेपाल 2 में से 1 मैच हारकर और 1 बगैर नतीजा 1 अंक के साथ 4थे नंबर पर है, जबकि श्रीलंका 3 में से 2 मैच हारकर 1 अंक के साथ सबसे नीचे पायदान पर है। अब नेपाल के पास सुपर एट में पहुंचने की संभावनाएं क्या हैं? जरा इसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेपाल को अभी दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के साथ 2 मुकाबले खेलने हैं। दोनों मुकाबले वेस्टइंडीज में होंगे। वेस्टइंडीज की पिचें फिरकी गेंदबाजों को जबरदस्त मदद करती हैं। बांग्लादेश और नीदरलैंड के आज के मुकाबले में जिस तरह बांग्लादेश के 21 साल के गेंदबाज जाकिर अली और साकिब ने फिरकी गेंदबाजी से नीदरलैंड के खिलाफ मैच को बदल दिया, उसने नेपाल की उम्मीदें जगाई हैं, क्योंकि नेपाल के अगले 2 मुकाबलों के लिए संदीप लामिछा ने वेस्टइंडीज पहुंच चुके हैं और वेस्टइंडीज की पिचों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। ऐसे में अगर संदीप की फिरकी चल गई तो दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के लिए मुसीबत हो सकती है। ये राह नेपाल के लिए इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर विश्व कप में नेपाल को बने रहना है तो उसे सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका को हराना होगा और दक्षिण अफ्रीका रन चेस में बहुत मजबूत नहीं है। ऐसे में अगर नेपाल पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो जाती है, उसके बाद नेपाल की फिरकी गेंदबाज अगर बेहतर गेंदबाजी करते हैं तो पासा पलट सकता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नेपाल जीत सकता है। अगर ऐसा हुआ, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश को नेपाल हरा पाने में कामयाब रहा, तो नेपाल के 5 अंक हो जाएंगे। नीदरलैंड के पास 1 मुकाबला बाकी है। अगर उसमें नीदरलैंड जीत भी गया तो नीदरलैंड के सिर्फ 4 अंक होंगे। ऐसे में अब नेपाल को किसी की हार जीत से बहुत सरोकार नहीं। नेपाल अगर दोनों मुकाबले जीत लेता है तो सुपर एट में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में अब नेपाल को हर चीज छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत पर फोकस करना होगा, क्योंकि 2 जीत नेपाल को सुपर एट में पहुंचा सकती हैं, उस सुपर एट पर जहां से नेपाल बड़ा सपना देख सकता है। नेपाल के पास गेंदबाज भी हैं, बल्लेबाज भी हैं, बस जरूरत है नेपाल को अच्छे प्रदर्शन की। अब देखना यह है कि नेपाल का यह सपना कब पूरा होता है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।